नमस्कार दोस्तों, बी एजुकेशन एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और कुछ खबरों को लेकर के जो है आज के इस लेक्चर में हम उपस्थित हैं, और इसके अंतर्गत हम दक्षिण भारत के हैदराबाद में एक बच्चे में उत्पन्न हुए जो बीमारी के संदर्भ में चर्चा करना चाहेंगे कि हाल फिलहाल में ये जो चर्चा में जो रहा है विज्ञान प्रौद्योगिकी के साथ साथ ये टॉपिक जो है आपके करंट अफेयर्स के लिए भी जो महत्वपूर्ण हो सकता है। तो हैदराबाद में एक बच्चे में जो है एक बीमारी हो गई जिससे उसे मसल्स में जो है समस्या उत्पन्न हो गई, उसके मूवमेंट में प्रॉब्लम हो गई। इसे जो कहा गया कि स्पाइनल मस्कुलर एट्रॉफी ये जो है समस्या उसमें हो गई। अब यह एक जो जेनेटिक डिसऑर्डर से संबंधित जो समस्याएं हैं, बेसिकली कुछ सेल्स के जो है लॉस होने के कारण से जो है ये समस्या उत्पन्न होती है, जिसे नर्व सेल्स कहा जाता है, जिसके कारण से जो है मसल्स में जो है वो मूवमेंट जो है नहीं हो पाती है, और उसी से संबंधित ये जो बीमारी है उसका नाम है स्पाइनल मस्कुलर डिसऑर्डर है, यानी कि स्पाइन से संबंधित समस्याएं होगी। और मस्कुलर भी शब्द जो उसमें आया है तो स्पाइन और मसल्स के आसपास की जो ये समस्या बनती है। खैर, ये इस बीमारी पर अभी भी और रिसर्च आगे जारी है, जिससे कुछ आगे आने वाले समय में कंक्लूजन मिल सकते हैं। इसके संदर्भ में ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दो और चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं वो मैं देखना चाहूँगा। एक तो इसमें क्राउड फंडिंग का नाम आता है, और दूसरा जो है एक जो है दवा का नाम आता है, जोलगेंसमा, जो कि दुनिया की सबसे जो है महंगी दवाओं की लिस्ट में शामिल है। तो क्राउड फंडिंग के थ्रू ये दंपति ने जो है पैसा इकट्ठा करने का काम किया। तो चूंकि इस बीमारी के साथ साथ ये दोनों ही कॉन्सेप्ट जो जुड़े हुए हैं, कि बीमारी का नाम और दूसरा जो है क्राउड फंडिंग और तीसरा जो है वो उस दवा का नाम। तो जो क्राउड फंडिंग है, ये क्राउड फंडिंग अभी पिछले कुछ समय से आई हुई एक अवधारणा है, जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति इंटरनेट या सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से पूरी दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों, देशों, लोगों से जो छोटी छोटी धनराशियों का वित्त पोषण करता है, जिससे वह किसी काज को या किसी भी प्रोजेक्ट को संपन्न करने में सफल होता है। क्राउड, जैसा कि क्राउड का तात्पर्य सामान्य भीड़ से होता है, लेकिन यहाँ पर तात्पर्य जो है उन सभी लोगों के समूहों से है जो किसी काज के लिए, किसी प्रोजेक्ट के लिए, किसी उद्यम के लिए छोटी छोटी धनराशियों का जो है डोनेशन करते हैं, योगदान करते हैं। तो क्राउड फंडिंग यानी कि जनता के थ्रू फंडिंग, मतलब वित्त पोषण प्राप्त करना ही क्राउड फंडिंग का कॉन्सेप्ट कहलाता है। आज के समय में जो है कई प्रकार के प्रोजेक्ट के लिए, उद्योग के लिए, बाढ़ के लिए, बीमारी के लिए जो है इस तरीके की फंडिंग जो है की जाती है। COVID-19 के दौरान भी कई तरीके के प्लेटफॉर्म बनाए गए थे, जहां पे लोग अपनी छोटी छोटी धनराशियां जो है वो डोनेट करते थे, वित्त पोषित करते थे, जिसके माध्यम से उस वित्त पोषण से ऐसे कार्य को पूरा करना संभव हो पाता था। तो ये कॉन्सेप्ट है वित्त पोषण का, थोड़ा सा इस पर भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्राउड फंडिंग एक कॉन्सेप्ट है, करंट में भी ये पूछा जा सकता है, और मुख्य पर मीन्स के स्तर पर इसमें टिप्पणी इससे जो है क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखना जो आवश्यक है। और ऐसा करके जो है उस हैदराबाद के दंपति ने लगभग 16 करोड़ रुपए जो है एकत्रित कर दिया, और इसके माध्यम से वो ऐसी दवा का जो है परचेज किया जिसे जोलगेंसमा कहा जाता है। जोलगेंसमा एक दवा है जो कि दुनिया की बहुत ही महंगी दवाओं में जो शामिल है, और उसके माध्यम से उसके बच्चे की बीमारी यानी कि स्पाइनल मस्कुलर डिसऑर्डर को या स्पाइनल मस्कुलर एट्रॉफी को जो है सही करने में जो है मदद मिली। तो ये था जो है इस बीमारी से जो संबंधित एक जो है महत्वपूर्ण विश्लेषण। इसके साथ में जो है अभी COVID-19 के संदर्भ में एक और सूचना आई है, जिसमें भारत में जो है COVID-19 के दो नए वेरियंट को जो है खोजा पहचाना गया है, जिसे WHO के द्वारा जो है नामकरण किया गया है। जब ये डिजिट में जो है दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इसे 1 को जो है डेल्टा और 2 को जो है कप्पा के नाम से जो है जाना जाता है, डेल्टा और कप्पा ये दो वेरिएंट हैं। ये 0.1.2 है इसके आगे, और डिजिट सब जोड़ा गया है। तो ये केवल ध्यान में रखना है कि 1 जो है वो डेल्टा है, 2 जो है कप्पा है। ये भारत में जो है WHO की तरफ से जो है पहचाने गए और नामकृत जो है किए गए, यानी नामकरण जो है डेल्टा और कप्पा के रूप में दो वेरिएंट को लाया गया है। तो COVID-19 के संदर्भ में जो है ये दोनों ही जो है
उसके वेरिएंट हैं, चूंकि WHO के द्वारा इसका नामकरण किया गया और COVID-19 जैसे महामारी से संबंधित है, तो परीक्षा के दृष्टिकोण से ये भी महत्वपूर्ण हो सकता है प्रारंभिक परीक्षा में, जिससे जो सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में जो है कुछ खबरों को लेकर के जो है हम आपके साथ जो है उपस्थित थे, तो इन सभी बातों को जो है आप कंसाइज करने का प्रयास कीजिए, विश्लेषण करने का जो है प्रयास कीजिए। पुनः नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।